हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं जिंतूर के अंदर एल्दरी डैम पर। वहां पर एक बहुत बड़ा डैम है, तो मैं वहां जाकर आपको डैम दिखाऊंगा। परभणी ज़िले से 60 किलोमीटर की दूरी पर है वो जिंतूर। जिंतूर से फिर वहां से थोड़ा और अंदर 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वहीं पर वो डैम है। तो मैं आपको वहाँ जाकर वो डैम दिखाऊँगा। और मेरे साथ में है मिस्टर सोनू, परभणी का खूबसूरत लड़का। ये देख सकते हैं आप किस तरह से बैठा है। तो ये सेकंड टाइम ब्लॉग में आ रहा है, तो शर्माता बहुत है, मगर अभी कुछ बोलेगा नहीं है क्योंकि शर्माएगा बहुत। अभी देख सकते हैं आप उसके चेहरे पर कितनी शर्म है और कैसा हंस रहा है ये। तो हम लोग अभी वहाँ पर जाके आपको मिलेंगे। तो कुछ रास्ता हम तय कर चुके हैं, परभणी से निकल चुके हैं। और यहाँ पर एक पुल भी है, बहुत खूबसूरत पुल लगा है गाइस ये, और पुराना है, पूरा पत्थर का काम है। तो सोचा मैं यहाँ से अपना ब्लॉग शुरू कर लूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स कर ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind, my friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, oh, oh.
गाइस फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर एल्दरी के डैम पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एल्दरी का डैम है और ऊपर से भी एक रास्ता है, लेकिन वहाँ का गेट कुछ फॉर्मेलिटी की वजह से बंद है, वहाँ से एंट्री नहीं है, एंट्री अभी बंद है। तो मैं आपको इधर से ही दिखाऊंगा नज़ारा। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे एल्दरी का डैम है और वो जो दरवाजे होते हैं ना वहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको गेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गेट है। और वो उन गेट से जब पानी चालू होता है ना तो वहाँ से पानी छोड़ा जाता है और पानी इधर आता है। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से वो दरवाजे लगे हुए हैं। और यहाँ पर फिशिंग भी लोग करते हैं, मछली पकड़ने का चालू रहता है, यहाँ पर काम करते हैं। और बहुत ही अच्छा ये नज़ारा है, अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। इधर वाला ये साइड है और यहाँ पर आपको थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथ में ये मिस्टर सोनू है, खूबसूरत लड़का, इधर कर रहे अपना फोटोशूट कर रहा है फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, लेकिन अभी पानी उतना नहीं है जैसा कि लोग बोल रहे हैं, बारिश है, अभी पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस साइड में पानी नहीं है क्योंकि अभी पानी स्टोर किया गया है, वो दरवाजे बंद है, अभी दरवाजे खुले नहीं गए। दरवाजे खुलने के बाद वहाँ से पानी आता है। तो मैं आगे जाके आपको उधर से पीछे का दिखाने का कोशिश करूँगा क्योंकि सामने से एंट्री गेट बंद है और कुछ उनकी फॉर्मेलिटी है उसके वजह से वो बंद रखा है, और फॉर्मेलिटी तोड़कर अंदर जाना ये अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं गए, यहाँ से आपको दिखाया। और आगे एक गार्डन है, वो गार्डन में से भी थोड़ा डैम दिखता है वहाँ से, तो वहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारा सोनू। हाँ सोनू कुछ बोल रहा है भाई। आज बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद मैं बाहर आया हूँ, इसलिए काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और हमारे MD दस्तगीर साहब के साथ आया तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी हम यहाँ से फिश भी लेने वाले हैं, तो फिश लेके आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमने फिश ली है, और सोनू भी लेंगे इंशाल्लाह। तो सोनू के लिए एक लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं आगे जाकर। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये पीछे साइड से है, ये दूर जो देख रहे हैं वो डैम की ये नदी है। तो हम लोग यहाँ पीछे साइड आए हैं, आपको सामने से पहले फ्रंट से दिखाया। तो अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा गेट एंट्री गेट वहाँ का बंद किया गया है, तो हम अंदर नहीं जा पाए, ऊपर एंड करूँगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना।